दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसान आंदोलन के 38वें दिन इस लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और धैर्य जिस तरह का इस आंदोलन के पास रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार के रवैये की वजह से अब यह आंदोलन एक नए मोड़ की तरफ जा रहा है। एक लोकतांत्रिक लेकिन ज्यादा तीखा, ज्यादा और एक तरह से यूं कहा जाए इसमें तीव्रता और आ रही है। किसान आंदोलनकारियों ने आज एक का बहुत बड़े संयुक्त किसान मोर्चा ने इतने दिनों के आंदोलन में आज पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली आकर की। पहले वो धरना स्थल पर करते थे प्रेस वालों से बातचीत, लेकिन आज उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बाकायदा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपने भावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान जो है वो 6 तारीख यानी 6 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी के बीच में होने वाले कई कार्यक्रमों का एक यूं कहा जाए कि एक समन्वित कार्यक्रम है, एक कोऑर्डिनेटेड एक प्रोग्राम का पूरा उन्होंने एक खाका पेश कर दिया। 26 जनवरी सबसे बड़ा दिन होगा इस किसान आंदोलन का और किसान आंदोलनकारी उस दिन उनके मुताबिक जो उन्होंने ऐलान किया है उस दिन राजधानी में कूच करेंगे, राजधानी की तरफ बढ़ेंगे और केवल झंडे और केवल अपने डंडे के साथ नहीं, वो बल्कि अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ। किसान आप जानते हैं वो हमेशा जो किसान होते हैं आमतौर पे पगड़ी बांधते हैं, उनकी जो तस्वीर भारत के किताबों में, रेडियो में, टेलीविजन में हर जगह जो बताई जाती है डंडा और पगड़ी। लेकिन उस दिन किसान ट्रालियों पे चढ़ के आएंगे, जिनके पास ट्रालियां नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, वो साइकिल पर आएंगे, मोटरसाइकिल पर आएंगे, लेकिन अपने अपने वाहनों के साथ वो दिल्ली में आएंगे और गणतंत्र दिवस अपना मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों गणतंत्र है यानी गण का तंत्र, तंत्र का गण नहीं है। तो उनका ये कहना है, उन्होंने यही बात कही कि ये तंत्र जो है वो गण का नहीं है, गण का तंत्र है। और किसानों ने यह कहा कि वो अपना गणतंत्र, किसान गणतंत्र मनाएंगे। पूरी आवाम का उन्होंने आह्वान किया है, नागरिकों का आह्वान किया है कि वो भी उनके साथ मनाएं। लेकिन साथ साफ यह भी किया उन्होंने कि वो किसी भी और ऑफिशियल कार्यक्रम का उनके साथ कोई टकराव नहीं होगा, वो अपने रास्ते अलग तय करेंगे, अपने ढंग से तय करेंगे, लेकिन उस दिन वो अपना गणतंत्र जरूर मनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मैं समझता हूं कि भारत के, आजाद भारत के इतिहास में पहली दफा इस देश के सबसे ज्यादा तादाद वाले लोग, जो मेहनत कश लोग हैं, किसान इस देश का, वह राजधानी में आकर गणतंत्र दिवस मनाएगा। तो ये एक अनोखी घटना होगी जो हम आप देखेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि उन्होंने कहा कि ये हमारा कार्यक्रम 6 जनवरी से शुरू होगा और 6 जनवरी को करनाल पलवल मनेसर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और ये जो ट्रैक्टर मार्च होगा दोस्तों, वो दरअसल 26 जनवरी के कार्यक्रम का एक तरह से रिहर्सल होगा, एक तरह से उसका उस दिन रिहर्सल किया जाएगा। और इसके बाद 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन देश भर के जितने राजभवन होंगे उसको उस प्रदेश के किसान वहां पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि राजभवन इसलिए, मुख्यमंत्री निवास क्यों नहीं, सचिवालय क्यों नहीं, क्यों राजभवन ही। उनका कहना है क्योंकि राज्यों का राजभवन जो होता है वो केंद्र के, राज्यों में जो नुमाइंदे होते हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस और ऑफिस होता है, मुख्यालय होता है। इसलिए उनकी जो लड़ाई है, उनका जो आंदोलन है, वो केंद्र के इन 3 कानूनों को लेकर है, इसलिए वो राजभवन के सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 6 तारीख से 20 जनवरी के बीच में, यानी 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में पूरे देश में
जनजागृति अभियान चलाएंगे, भंडाफोड़ अभियान चलाएंगे, और इसके तहत हर जगह जिला में, राज्यों में, शहर में, कस्बे में, हर जगह प्रदर्शन होगा, सेमिनार होगा, सिंपोजियम होगा, बैठकें होंगी, इंटरेक्शन होगा, गांव-गांव लोग जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और दोस्तों इसके साथ उनके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जो अडानी अंबानी जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके बायकॉट का उनका ऐलान जारी रहेगा, उसको उन्होंने मुलतवी नहीं किया है, स्थगित नहीं किया है। उनसे जब पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, आपकी तो अभी वार्ता होनी है, तो उन्होंने ये बात कही कि 4 तारीख को जो वार्ता है हम उसके नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हमने अपने कार्यक्रमों का ऐलान 6 को किया है, बल्कि हम 5 का भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 5 को कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर कोर्ट से कोई राहत मिलती है, अगर कोई बात बनती है, हम उस पर भी विचार करेंगे। किसान आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि दरअसल पिछली बैठक के दिन यानी बुधवार को 30 तारीख को जिस तरह की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जिस तरह से सरकारी तंत्र की तरफ से कहा गया कि किसानों की 50% मांगे मान ली गई हैं, इस झूठ को बेनकाब करना, उसी दिन हमने उनका ये कहना था आंदोलनकारियों का, उस झूठ को बेनकाब हमने उस दिन भी करना चाहा, लेकिन मीडिया में, खासकर गोदी मीडिया जिसको वो लोग कहते हैं, कि गोदी मीडिया में सरेआम झूठ बोला जा रहा था कि किसानों की 50% मांगे पूरी कर ली गई हैं, जबकि सच यह है कि वो 1 से लेकर 5% के बीच में, कोई 1% कहता है, कोई 5% कहता है, अधिक से अधिक वो हाथी के पूंछ की तरह है कि उतनी जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उनको छोड़कर सिर्फ आप कह रहे हैं कि पराली वाला जो अध्यादेश है उसमें जो क्रिमिनलाइज किया गया है प्रोविजंस को, 1 करोड़ से लेकर के न जाने क्या क्या उसमें जुर्माना है, जेल है किसानों को, ये आप डिलीट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, आप बिजली का जो अपना बिल है उसमें जो प्रस्तावित है जिसका मसौदा केवल सामने है उसको आप विड्रॉ करेंगे, या किसानों को लेकर जो उसमें प्रावधान है उसको डिलीट करेंगे, लेकिन इसका कोई अभी तक न तो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है, न तो कोई लिखित आश्वासन है। सरकार ने मुंह से कह दिया और लोगों ने प्रचारित कर दिया, खासकर टेलीविजन चैनलों ने। तो किसान आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी 2 ही मांगे हैं, और पहली मांग है कि ये 3 कृषि कानून जो कृषि विनाश के कानून हैं, इनको रद्द किया जाए, इनको निरस्त किया जाए, इनको वापस किया जाए, और दूसरी है कि MSP को लेकर कानून बनाया जाए, MSP कानून में शामिल किया जाए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि और जो भी मसले हैं वो उनके एक ऐसे मसले हैं जो किसानों की भलाई या समाज की आम तौर पे भलाई से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रमुखता जो मांग है ये 2 है। ऐसे में प्रमुख मांगों को छोड़ करके आप ये कहें कि 50% हमने पूरा कर लिया, ये झूठ है। ये 3 बार उन्होंने झूठ 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 कहा। तो दोस्तों हमारा ये कहना है कि किसान आंदोलनकारियों को जिस तरह सरकार ने एक तरह से ये चाहा कि उनको एक तरह से बरगला दिया जाए, या हो सकता है कि किसान आंदोलनकारियों में कुछ एक लोग ऐसे रहे हों जिन पर सरकार को ज्यादा भरोसा रहा हो कि वो वाकई 50% इसको मान लेंगे, कोई झुनझुने को या एक गुब्बारा जैसे उड़ाया जाता है उसको ही कोई मान ले कि हाँ यही एक बहुत बड़ा नतीजा है, तो लेकिन ये बात कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों मुझे लगता है कि सरकार ने अब तक, या सरकार चलाने वालों ने अब तक देश के विपक्षी दलों से निगोशिएट किया है। अब तक हमने देखा है 6-7 साल लगातार विपक्षी दलों को मैनेज करना, कहीं किसी को डराना, कहीं किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को धमकाना, किसी को जेल भेजना, और इस तरह से विपक्ष की धार को कुंद किया है। वही आदत शायद सत्ताधारियों की थी कि हम इन किसान आंदोलनकारियों को भी किसी तरह बरगला लेंगे, किसी तरह मैनेज कर लेंगे, किसी तरह तोड़ फोड़ इनमें कर देंगे, लेकिन वो टैक्टिक्स किसान आंदोलनकारियों के बीच में सरकार की, सत्ताधारियों की, वो कारगर नजर नहीं आ रही है, ये कामयाबी की तरफ बढ़ती नजर नहीं आ रही है, और इसी का नतीजा है कि किसान आंदोलनकारियों ने एक तरह से एक प्रतिवाद किया है, एक तरह से जवाबी हमला बोला है सत्ताधारियों पर कि आप अगर किसान आंदोलनकारियों पर हमलावर होना चाहते थे उस दिन की बैठक के बाद कि हमने उनकी 50% मांगे मान ली हैं, तो 50% वो छोड़ भी दें,
50% पर निगोशिएट भी कर ले। किसान आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि किसी कीमत पर वो अपनी उन मांगों को छोड़ने को तैयार नहीं है जिन पर 50 लोगों की शहादत अब तक दर्ज हो चुकी है, जो इन सर्द रातों में पारा 1 डिग्री जा चुका है, माइनस में भी जा सकता है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि जो मुसीबतें हम झेल रहे हैं, आज ही एक किसान ने आत्महत्या की है, उनके उनके बिलासपुर से आए हुए किसान उत्तराखंड से गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या में उन्होंने सरकार पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने ये तक कहा कि हमारा जो संस्कार है वो यहीं कर दिया जाए, धरना स्थल पर ही। क्या जुड़ाव, किस तरह की इमोशनल एक अपील है उनकी। इसी तरह से दोस्तों, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 3 किसान बीती रात से लेकर अब तक उनकी मौत हो चुकी है, और कुल मिलाकर बताया जाता है कि 50 से अधिक किसान कुल मिलाकर नवंबर से लेकर अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो ऐसे में किसानों का यह जो कहना है कि उनको किसी तरह से कोई अगर चाहे कि बेवकूफ बना लेगा, तो अपने शहीदों की, अपने किसान भाइयों की जो कुर्बानी है, उसको वो किसी कीमत पर उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। और दोस्तों, अब देखना है कि 4 तारीख को सरकार क्या फिर 30 तारीख की तरह उनको, किसानों को एक तरह से कुल उनको मैनेज करने की कोशिश करती है, या साफ साफ निगोशिएट करती है, साफ साफ कुछ फाइनल फैसला करती है। यही आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। हफ्ते की बात में हमारा ये रहा है कि कैसे किसान आंदोलनकारियों ने अंततः एक तरह से अपने आंदोलन के अगले चरण का ऐलान कर दिया, जिसे सरकार को बचाना चाहिए था। सरकार को चाहिए था कि वो अवॉइड करे कि आंदोलनकारी जो जिस फॉर्म में है, जिस एक्शन के प्लान में है, वहीं तक सीमित रहें, और जल्दी से जल्दी इन सर्द रातों में धरना उनका खत्म हो जाए, निगोशिएशन टेबल पर दोनों तरफ से कुछ आगे कोई हो, कोई पीछे हो, ये होता है निगोशिएशन। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने गलतियां की, और उसका नतीजा आज यह है कि उन्होंने अपने आंदोलन का नए चरण का नया प्रारूप घोषित कर दिया। मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के लिए, हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसमें मोबिलाइजेशन जो है, किसान आंदोलनकारियों ने कहा है कि चूंकि ये तीनों किसान के जो कानून हैं, वो पूरी जमात, पूरे अवाम, पूरे समाज को प्रभावित करने वाले हैं, केवल किसान को नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने जन जागरण अभियान में समाज के दूसरे तबकों को भी और दूसरे राज्यों को भी ज्यादा से ज्यादा उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इन शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।